फ्रेंड्स वेलकम टू एक्नोलेज चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिक्स का चैप्टर 3। ठीक है, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट होता क्या है पहले हम ये जान लेंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है क्या है। गवर्नमेंट वो होता है जो सोसाइटी को अपने मेंटेन करके रखे। मतलब गवर्नमेंट जो है एक एज अ फादर है किसका, इंडिया का एक फादर है जो कि सब चीज़ स्टेबल करके चलता है, जैसे कि डिफेंस को, हेल्थ को और एजुकेशन को, सब चीज़ को एक तरफ से मेंटेन करके चलने वाले को हम गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जो अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है और उसको फॉलो करवाता है। ठीक है, जैसे और हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, जो हम ही लोग जो है उन्हें गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, और एक मोनार्ची होता है। मोनार्ची जो होता है वो होता है जिसमें कि राजा महाराजा जो होते हैं वो रूल शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम अपने मतदान के थ्रू हम इन्हें गवर्नमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जो कि उस गवर्नमेंट को है अपने डिसीजन को डिफेंड करना पड़ता है। ठीक है, अपने डिसीजन को क्या करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। ठीक है, और जो है हम हर एक 5 ईयर्स पे अपने गवर्नमेंट को चेंज करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द पीपल गिव द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म अ लॉ। अपने जो लोग होते हैं उन्हें अधिकार देते हैं टू लॉ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और दे डू बाय आवर वोट। ठीक है, जो हमारे ये वोट से ही हमारा गवर्नमेंट तैयार होता है। ठीक है, और जो इंडिया में है जो वोट देने का जो एज है वो 18 है, 18+। यू हैव टू मस्ट बी फर्स्टली 18+। ओके, और जो हमारी गवर्नमेंट को है क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है हर एक डिसीजन के बारे में। ठीक है, आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि वो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी अगर नया रूल लाएंगे, बिल लाएंगे, तो सबसे पहले उन्हें अपने जो डिसीजन होता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो परफॉर्म कर सके आगे, उसको डिफेंड कर सके। ठीक है, अपने डिसीजन को। ठीक है, अगर वो एक बार इलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तब वो 5 साल के लिए अपने शासक को चला सकते हैं। गवर्नमेंट जो है अपने रूल रेगुलेशन को चला सकती है, जो भी गवर्नमेंट आती कोई भी पार्टी से आए। ठीक है ना, वो अपने जो है वो इलेक्टेड करने के बाद जो है अपना जो है कार्य कर सकती है। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारे जो है गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं। ठीक है, 3 लेवल है, एक तो यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये सब आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सीएम हो जाते, चीफ मिनिस्टर हो जाते। लोकल गवर्नमेंट में वो आते हैं, पटवारी हो गया, पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, ब्लॉक्स हो गए, ये सारे किसमें आते हैं, लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, जो हमारा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडियन। अब जानते हैं हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में फ्रेंड्स। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है ये जानेंगे इसमें हम। इसमें जो है एक तो यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री। ठीक है, देखिए जो इंडिया में है वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ फेडरल गवर्नमेंट में होता क्या क्या है। यूनियन और स्टेट जो इंडिया में है वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर अपने हमारे कंट्री को जो है रन करते हैं। आपने देखो पहले यूनियन पे कोई रूल बनाएगा, फिर उसको यूनियन के बनाने के बाद सारे जो स्टेट जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपने अपने स्टेटों में। ठीक है, और लेकिन जो प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है वो यूएसए में चलती है। जो एक बार यहाँ पर रूल बन गया, ठीक है, तो वो हर एक जगह ही फॉलो होना है, वही कराएगी, प्रेसिडेंट ही कराएगी। और ठीक है, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो वेस्टमिंस्टर में है, वेस्टमिंस्टर। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमारे गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, कौन इंप्लीमेंट करवाता है, कौन फॉलो करवाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट में कौन कौन आता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर अब हम जानते हैं क्या क्या आता है। पहले नंबर पे जो है
वो आता है लेजिस लेचर, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है एग्जीक्यूटिव, तीसरे पे आता है जुडिशरी। देखिए फ्रेंड, इनका काम क्या क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेजिस्लेचर जो होता है वो क्या करता है, रूल को बनाता है, टू फॉर्म रूल लॉ, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, टू इम्प्लीमेंट एंड रन, इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको मतलब कि लागू करवाना है, ठीक है। और जुडिशरी का क्या काम है, टू मेंटेन एंड बैलेंस, इसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है, मेंटेन करके चलना है और बैलेंस कि जब भी कोई दिक्कत आए तो आपने सुना ही हो पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के पास ही कोई केस जाता है, ठीक है। चाहे अभी हमारा CAA का विरोध चल रहा था, ठीक है, या आर्टिकल 370, ठीक है। अभी एक और अभी आया है, वो है नया जो रूल एक्ट जो बिल बना है, ठीक है, कि लड़कियों की जो है मैरिड जो है वो 21 ईयर्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पहले क्या होता है, पहले लेजिस्लेचर ने बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, उसके बाद जो है मेंटेन करके चलने का काम जो है जुडिशरी का है, ठीक है फ्रेंड्स। इस ये जो हमारा व्हाट इज गवर्नमेंट का जो टॉपिक था ये हमारा पूरा इसमें कवर हुआ है, ठीक है, जो चैप्टर 3 था, ठीक है, पॉलिटिक्स का। अगर आपको वीडियो ऐसी चाहिए और पसंद है आ रही है, अच्छी लगती है, तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।